स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, सभी कंटेंट आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ, रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैं पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, लिखा हुआ है शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा जब ब्लड बाहर निकल रहा होता है थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, सूख जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपके बॉडी के अंदर ऐसा हो तो क्या हो, क्या आपके बॉडी के अंदर में ब्लड नहीं जम सकता है? अगर नहीं जमता है, ब्लड हमेशा तरल अवस्था में आपके बॉडी में बना रहता है, तो ऐसा क्यों है कि बाहर निकलता है तो जम जाता है लेकिन बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो नहीं जम रहा है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, वो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसी के कारण ब्लड जो है शरीर में नहीं जमता है, हमेशा तरल अवस्था में बना रहता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, लिखा है ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता होगा, कहीं ना कहीं रखा जाता होगा। तो क्या होता है, जहाँ पर बैंक होता है, ब्लड बैंक, वहीं पर ही ब्लड को रखा जाता है और वहाँ का जो तापमान है वो होना चाहिए 40 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। ये F मीन्स होता है फॉरेनहाइट, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, लिखा हुआ है ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 4 नंबर में लिखा हुआ है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ब्लड का थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो उसके लिए आपके शरीर में फाइब्रिनोजन ज़रूर होना चाहिए, और ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। तो ध्यान रखिएगा, हिपेरिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों ही प्रोटीन हैं। लेकिन हिपेरिन से क्या होता है, हिपेरिन से आपके बॉडी में जो ब्लड है वो हमेशा तरल अवस्था में बना रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन जो फाइब्रिनोजन है, इसका काम होता है कि रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है, और अनिवार्य है, ये आपके शरीर में होना ही चाहिए, आपके बॉडी में होना चाहिए, ब्लड में, ठीक है। विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। लेकिन अनिवार्य लिखा हुआ एक शब्द यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, विटामिन के तो ही होना चाहिए साथ में रक्त का थक्का बनाने के लिए, लेकिन अनिवार्य है ये तो ज़रूर होगा, ये जो फाइब्रिनोजन है ना, ये आपके ब्लड में ज़रूर होगा, तभी ब्लड क्लॉटिंग होगी, रक्त का थक्का बनेगा, ठीक है। अच्छा, जिसको रक्त का थक्का नहीं बनता है उसको कौन सी बीमारी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हीमोफीलिया होती है, ठीक है। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी होती है उसके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड का बहना नहीं बंद होता है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर कहीं कोई दुर्घटना हो गई और जिसके साथ दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसको हीमोफीलिया की बीमारी है तो फिर उस केस में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ब्लड तो क्लॉट होगा नहीं, ब्लड बहता ही रहेगा, इसलिए जो है जान जाने का भी खतरा रहता है। जान जाने का मतलब ये है कि मृत्यु होने का खतरा रहता है। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, लिखा हुआ एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एंटीजन कहाँ पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। 6 नंबर में लिखा है एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है, तो 55% पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर में लिखा हुआ है पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने पॉइंट मैंने लिया हुआ है आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके लिया हुआ है। 8 नंबर में लिखा है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कोशिका लिखा हुआ है, ये कोशिश लिख गया है गलती से, सॉरी इसके लिए, ये कोशिका है, कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर साइटोलॉजी और यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो आप ऐसे ही इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कि साइटोलॉजी मीन्स सेल्स और सेल्स का अध्ययन किया जाता है
साइटोलॉजी के अंतर्गत। 9 नंबर में लिखा है, मनुष्य के शरीर में लगभग 60×10^15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 60×10^15 कोशिकाएं पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर में लिखा है, यूगलीना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, आगे देखेंगे। 11 नंबर में लिखा है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। 12 नंबर में लिखा है, पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जो पर्णहरित होता है उसके केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। 13 नंबर में लिखा है, हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा केरोटिन तथा जैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था, तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, 15 में लिखा हुआ है, पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है, लड़का होगा या लड़की होगी, इसका जो निर्धारण होगा वो पुरुष के XY गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हो कि लड़का होगा या लड़की होगी, जो उसका लिंग निर्धारण होगा बच्चे का, उसका जो जिम्मेदार होगा उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होगा, उसके लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं होती है। 16 नंबर में लिखा है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर में लिखा है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जो पहली वीडियो मैंने जीव विज्ञान की अपलोड किया है उसमें ये दूसरा पॉइंट है, मैंने लिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर में लिखा है, मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। 19 नंबर देखेंगे, लिखा है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, तो केवल दिन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 20 नंबर में लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, अर्थात वायरस के द्वारा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 21 नंबर में लिखा हुआ है, इस कैरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 22 नंबर में लिखा हुआ है, श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। 23 नंबर में लिखा है, मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं, अर्थात 14 हड्डियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 24 में लिखा है, केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है, तो ध्यान रखिएगा, केसिन का सबसे अच्छा स्रोत का मतलब ये है कि दूध में सबसे ज़्यादा केसिन पाया जाता है। केसिन एक प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखना है। और दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वो केसिन के कारण होता है। जो दूध में पीलापन होता है वो होता है केरोटिन के कारण, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ बहुत ही ध्यान से। ये उपापचय क्या है, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ। हमारी बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर आपको एक दीवार बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मोरंग चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, मिस्त्री चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद में उस दीवार को, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके सिस्टमेटिक लगाना होता है, तब जाके एक दीवार खड़ी होती है। तो जो आपकी बॉडी है ना, इस बॉडी में जब आप खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज पदार्थ सब तो मिल जाते हैं, लेकिन इनको किस तरीके से, किस पार्ट को कितना चाहिए, वो इन उपापचय और अपचय, ठीक, इन्हीं सब माध्यम से होता है, आपको ध्यान रखना है। अपचय में क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन के अणु होते हैं, उनको वो छोटा करके पार्ट्स में डिवाइड करके तब जो है पाचन की क्रिया होती है। और उपापचय के अंतर्गत क्या होता है, जो छोटे अणु हैं उनको ये जो है आपस में मिला करके बड़ा कर देता है। भाई किसी पार्ट को ज़्यादा चाहिए, किसी पार्ट को बॉडी में कम चाहिए, उसके अनुसार ये करता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ये अपचय और उपचय, ये जो हैं ये दोनों चीज़ें चयापचय के अंतर्गत आती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 26 में देखेंगे, लिखा हुआ है, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। 27 नंबर में लिखा हुआ है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। बिल्कुल होती है,
ठीक है, ध्यान रखना है हम लोग के बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 65 से लेकर के 80% तक पानी होता है। 28 नंबर देखेंगे, लिखा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन भी तो लेना होता होगा भाई। ऑक्सीजन वो आपको देते हैं दिन में, तो उनको भी तो चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए। जब जल पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें क्या होता है, वाष्प के माध्यम से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के ये पेड़ पौधे ले लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर में लिखा हुआ है पुष्प के जनन चक्र पुमंग योम जयांग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 नंबर में लिखा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप बोलते हो कि कार्बाइड लगा दिए हैं, पक गया फल, तो ध्यान रखिएगा कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। 31 में लिखा हुआ है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। 32 नंबर में लिखा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 33 नंबर में लिखा है मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कहां पर होती हैं, तो मनुष्य के मस्तिष्क में होती हैं। 34 नंबर में देखेंगे लिखा है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो विटामिन बी और सी हैं वो जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी का हमारे बॉडी में, मनुष्य के बॉडी में कहीं भी कोई स्टोरेज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी ये स्टोर नहीं होता है। आप पानी पीते हो तो विटामिन बी और सी दोनों मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी और सी जल में घुलनशील हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो आपको गलत करना नहीं है, आपको ध्यान से पढ़कर जाना है, ठीक है। 35 नंबर में लिखा हुआ है के ई डी ए, ये विटामिन हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर सकते हो आप, मैंने वैसे लिखा भी है कीड़ा, ठीक है, कीड़ा क्या है, वो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आपको ध्यान रखना है। कीड़ा मतलब के ई डी ए, ये क्या हैं, ये विटामिन हैं। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।